हेलो एंड वेलकम बैक टू द के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल एंड मेरे सभी व्यूवर्स को सब्सक्राइबर को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू जो कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं चैनल को। और उसके बाद में अनदर आपके लिए एक बिग अपडेट लेके आए शेनिंगन से ही। शेनिंगन में अनदर टू कंट्रीज, दो कंट्रीज जो बिगेस्ट नाम है शेनिंगन के अंदर, बहुत ही फेमस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना वीज़ा सर्विसेज रिज्यूम कर दिया है यूएई से। तो अगर आप यूएई में हो या गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हो तो आप इन दोनों कंट्री के वीज़ाज अभी से अवेल कर सकते हो, शेनिंगन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों कंट्री के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो सबसे पहले जो कंट्री है दोनों के बारे में बात करते हैं, उनका नाम है जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड। दोनों कंट्री ही शेनिंगन के अंदर बहुत ही फेमस कंट्री हैं, बहुत ही बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनकी इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑन द एनुअल बेसिस वहाँ पे जाते हैं फॉर द टूरिज्म। स्विट्ज़रलैंड को हेवन भी बोला जाता है, यूरोप का सबसे ब्यूटीफुल कंट्री, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप स्विट्ज़रलैंड है। बहुत सारी उधर नेचुरल प्लेसेस हैं, लाइक लेक्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे कैनाल्स हैं, माउंटेन्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल उनका स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। मैनी पीपल्स ऑन एनुअल बेसिस वेन देयर फॉर द टूरिज्म पर्पस। एंड टूरिज्म को ही बूस्ट करने के लिए स्विट्ज़रलैंड ने कुछ कंट्री में अपना वीज़ा सर्विसेज रिज्यूम किया है, जिसके अंदर यूएई भी आता है। तो अगर आप यूएई में रेजिडेंट हो या गल्फ कंट्री में रेजिडेंट हो, आपके पास में यहाँ का वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है तो आप एलिजिबल हो स्विट्ज़रलैंड के लिए शेनिंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो आपका पासपोर्ट है, विच शुड बी वैलिड फॉर मोर देन 6 मंथ, आपका यूएई वीज़ा और आईडी कॉपी जो 4 से 5 महीने तक वैलिड रहना चाहिए, आपकी रिसेंट फोटोग्राफ्स जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए विद 70-80% फेस एरिया विद वाइट बैकग्राउंड, दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोज पर्टिकुलरली। और इसके बिना आपका एनओसी लेटर, आपके एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कम से कम 3 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, 3 महीने के, जिसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे इट शुड बी मिनिमम 12,000 एंड नंबर्स और मैक्सिमम नंबर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर आप अपनी फैमिली के को भी एक ही साथ में लेके सेम टाइम पे अपनी फैमिली का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप विद फैमिली यहाँ पे हो तो फैमिली के लिए सेम डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट फोटो, आईडी, वीज़ा कॉपी, आपका मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, दीज आर द इनिशियली डॉक्यूमेंट। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगर फैमिली के से तो सिंगल बंदा भी अप्लाई शो कर सकता है, या फिर आपकी फैमिली में आपकी वाइफ के पास में बैंक अकाउंट है या आपका ब्रदर सिस्टर है उसके पास में बैंक अकाउंट है तो एक ही बंदा सभी फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन उसको बैंक बैलेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, बट एम्बेसी की जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो यही है जो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास में ये मिनिमम डॉक्यूमेंट हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जिनके पास में 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है। लेकिन जो भी शेनिंगन कंट्री अभी ओपन हो रही है उसमें रश बहुत है ड्यू टू द हॉलीडेज आर अपकमिंग इन यूएई, बच्चों को स्कूल की हॉलीडेज़ हैं और नेक्स्ट ईद की हॉलीडेज़ हैं, तो अपॉइंटमेंट बहुत टफ मिल रही है। अपॉइंटमेंट आपको रफली 1 मंथ गैप के बाद में मिलेगी। आज अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे या मेरे से लोगे या आप खुद भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट डेट्स बहुत लंबी मिल रही है। तो एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट आप बाद में प्रिपेयर कर लेना, लेकिन आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी देके, वीज़ा कॉपी देके अपनी अपॉइंटमेंट सीट रिजर्व कर लो, बिकॉज VFS ग्लोबल लिमिटेड ही एप्लीकेशन ले रहे हैं और रश बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये शेनिंगन वीज़ा ऑलमोस्ट 13 से 14 महीने के बाद में रीओपन हुआ है, इस चक्कर में रश बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद में नाउ वी हैव अ सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंट्री जो अभी रिसेंटली ओपन हुई है, दिस इज़ जर्मनी। जर्मनी भी बहुत एक फेमस कंट्री है शेनिंगन के अंदर और पूरे शेनिंगन जोन के अंदर, इट्स कम्स इन अ सेंट्रल एरिया। तो जर्मन के नियर अबाउट भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हो इफ़ यू हैव अ शेनिंगन वीज़ा। और इसके लिए भी आपके प्राइमरी बेसिक डॉक्यूमेंट वही हैं जो सेम स्विट्ज़रलैंड वाले, फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका पासपोर्ट फोटो, आईडी, वीज़ा कॉपी, एनओसी लेटर आपकी कंपनी से और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दीज आर द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। और इसके बिना अगर आपके पास में इन्वेस्टर या पार्टनर का वीज़ा है
तो आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपका ट्रेड लाइसेंस आता है, ऑफिस टेनेंसी आता है, लोकल अरबिक इफ यू हैव योर पार्टनर तो उसका पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी, वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। एंड देन आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ योर कंपनी, और यू कैन ऑल्सो गिव योर पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपकी कंपनी का लेटर पैड और स्टैम्प, ये आपकी एनओसी के लिए मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। तो ये कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होते हैं, अगर हम उन डॉक्यूमेंट को साथ में लगाते हैं और अच्छे से हम आपका कवरिंग लेटर मेंटेन करते हैं तो आपका वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कवर लेटर ज़रूर डालो, अगर आप खुद भी अपनी फाइल प्रिपेयर कर रहे हो तो कवरिंग लेटर एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर के बिना, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बिना आपको वीज़ा शेंगेन कंट्रीज नहीं देती हैं। तो आप अपनी फाइल में प्रॉपर जस्टिफिकेशन करो, प्रॉपर से अच्छे से कवर लेटर डालो। इसका जो आप अगर हमारे से चाहते हो फाइल रेडी करवाना, तो टोटल एक्सपेंस 800 ग्राम आएगा विद योर कंफर्म डॉक्यूमेंट्स। हम आपके लिए अपॉइंटमेंट करेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिटर्न टिकट्स, कवरिंग लेटर हम बनाएंगे, आइटनरी प्लान, डे टू डे प्लान वो हम बनाएंगे इसी प्राइस के अंदर। इसके बिना एम्बेसी फीस है जो आपको देना पड़ता है। एम्बेसी फीस अडल्ट के लिए जो 12 प्लस 12 ईयर प्लस होते हैं, वो अडल्ट स्ट्रीम के अंदर कंसिडर होते हैं, उनके लिए 80 यूरो है, और बच्चों के लिए 45 यूरो है, दैट यू हैव टू पे इन अ VFS ग्लोबल डायरेक्टली। तो उसके बिना जो भी फाइल का कंप्लीट खर्चा है वो 800 ग्राम के अंदर ही आता है, वो हम आपको करके देते हैं। मोस्टली शेंगेन के अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, अगर आप किसी भी शेंगेन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हो दिस विल बी विदाउट एनी इंटरव्यू, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा होता है। तो अच्छे से आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, इफ़ यू हैव अ गुड फाइल और आप अपनी फाइल अच्छे से रेडी करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट अ वीज़ा फ्रॉम हेयर। नाउडेज शेंगेन कंट्रीज आर लिटल बिट लीनियट बिकॉज उनको भी टूरिज्म चाहिए, उनको भी कैंडिडेट चाहिए, उनकी जो इकॉनमी है थोड़ा लो चली गई है COVID-19 की वजह से, उसको बूस्ट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड द टूरिज्म इन पर्टिकुलर कंट्री, जहाँ पे कोविड थोड़ा कम हुआ है या फिर उन कंट्री में उन्होंने वीज़ा सर्विस रिज्यूम की है जिसके अंदर वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में ऑलरेडी उनके रीजन को लगा दिया गया है। तो यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा जल्दी वैक्सीनेशन किया है अपने रेजिडेंट को, ऑलमोस्ट 70-80% लोगों हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है UAE के अंदर, रेस्ट 20-30% लोग पेंडिंग है जो कंटिन्यूसली वैक्सीन ले रहे हैं। और शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं चाहिए, अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं ली स्टिल यू कैन अप्लाई योर फाइल, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवलिंग के पहले आपको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, आपकी दोनों डोजेस कंप्लीट होनी चाहिए। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो चाइना की वैक्सीन है सिनोफार्म वो आप ना लगाओ बिकॉज सम कंट्रीज़ आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वैक्सीनेशन। और बाकी जो वैक्सीन है ना जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, ये पूरी वैक्सीनेशन जो है कोविड शील्ड ये पूरी एक्सेप्ट कर रही है, तो आप इनको लगाओ दैट इज़ फाइन। इफ़ जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी फाइजर लगा चुके हैं या सिनोफार्म लगा चुके हैं उनके लिए नो प्रॉब्लम, बट नई जो अभी लगा रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो वैक्सीनेशन एक्सेप्ट की जा रही है शेंगेन के अंदर वही उसकी ही आप अपॉइंटमेंट लो और वही वैक्सीनेशन लगाओ ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टिल जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट उनको 72 आवर्स के अंदर नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, और वहाँ पे जाके देर विल बी सम क्वारंटाइन जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया है, और जिन्होंने वैक्सीन किया उनके लिए कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जाके फ्रीली वो मूव कर सकते हैं, शेंगेन वीज़ा अपना अवेल कर सकते हैं, वहाँ पे लीजर एक्टिविटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ लिटल बिट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मैक्सिमम नंबर के साथ में ताकि सारे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।